उत्तराखंड में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां कोविड काल के दौरान पैरोल पर रिहा किए गए 550 से ज्यादा कैदी पैरोल पूरे होने के बाद भी फरार बताए जा रहे हैं। वहीं अब इन आरोपियों को पकड़ने के लिए उत्तराखंड पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक इन कैदियों की कोई भी खबर नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना काल के दौरान साल 2020-21 में उत्तराखंड की जेलों में बंद करीब 800 से ज्यादा कैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया था। पैरोल खत्म होने के बाद करीब 300 कैदियों ने तो खुद को सरेंडर कर दिया, लेकिन 500 से ज्यादा कैदी आज भी पैरोल खत्म होने के बाद वापस जेल में नहीं लौटे, जिनमें कई कैदी ऐसे हैं जो गंभीर अपराध की सजा जेलों में काट रहे थे। इन सभी फरार कैदियों की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। वहीं उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता लेश आनंद भवने का कहना है कि जो कैदी फरार हैं, उनमें से 81 कैदी ऐसे हैं जिनको कोर्ट से बेल मिली थी, जबकि कुछ कैदी ऐसे हैं जिनके केस ट्रायल में थे और उन्हें अंतरिम बेल मिली थी। उन्होंने कहा कि फरार कैदियों को पकड़ने की जेल और जिलों की पुलिस प्रयास कर रही है और जल्दी ही फरार कैदियों को पकड़कर जेलों में डाला जाएगा। ये बात निश्चित तौर पे सही है और जो है इसके लिए जो है जेल के द्वारा जो है इसमें प्रयास जो है पुलिस भी इसमें जिला पुलिस भी कर रही है कि ये जो कोरोना काल था, कोरोना काल के दौरान जो है लगभग हमारे पास 81 ऐसे सिद्ध दोष बंदी है जो कन्विक्टेड जो है वो इनके द्वारा जो है वो पैरोल दी गई थी माननीय न्यायालय द्वारा, उसके बाद जो है उनको वापसी नहीं हुई, आत्मसमर्पण नहीं किया गया। इसके अलावा कुछ अंडर ट्रायल्स भी होते हैं जो विचाराधीन बंदी होते हैं, ऐसे भी लगभग 500 के करीब ऐसे भी है जिनको इंटरिम बेल जो है उनकी अवधि समाप्त होने के बाद जो है सरेंडर वो नहीं हुए हैं। तो ऐसे समस्त लोगों को जो है जेल के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा और उसमें जो है संबंधित जिले के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है इनको भी जो है इस बारे में अवगत कराया गया है और उसमें सारी पुलिस उनको जो है अभी तलाश कर रही है। ऐसे लोग जो फरार हैं, जो कोरोना काल के बाद जो है जिन्होंने वापसी नहीं हुई है, इनको जल्द ही जो है पुलिस अरेस्ट करेगी। इन पे अगर जरूरत पड़ेगी तो इनके जो है वो रिवार्ड घोषित करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश गुप्ता जी, जिस तरीके से ये हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है, अगर बात कोरोना काल की करें तो उस दौरान करीब 800 से ज्यादा ऐसे कैदी थे जिन्हें पैरोल पर रिहा किया गया था, और आत्मसमर्पण की अगर बात करें तो कुछ कैदी ऐसे हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया और लगातार उत्तराखंड की पुलिस अब उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है। क्या लगता है कि जो प्रशासन कदम उठा रहा है उसमें वो पूरी तरह से सफल होंगे या नहीं? बिल्कुल देखिए आकांक्षा, यहाँ पे अगर बात करें जिस तरीके से बिल्कुल चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिस तरीके से कहा जाए कि जो पैरोल के जो कैदी थे वो यहाँ पे फरार चल रहे हैं और खास करके बात करें जाए तो लगभग 500 से ऊपर के कैदी यहाँ पे फरार है, क्योंकि 2020-21 के अंदर जब वो यहाँ पे कोरोना काल था तो ये कैदियों को जो है यहाँ पे पैरोल के पे छोड़ा गया था लगभग 800 के करीब, जिसमें से 300 कैदी थे उन्होंने यहाँ पे खुद जो है यहाँ पे सरेंडर कर दिया था। 500 जो है अभी फरार बताए गए हैं। हालांकि जो है यहाँ पे डीजी से बात हुई है, उनका कहना था कि जो 81 कैदी है उनको जो है जो कोर्ट के द्वारा जो है वो बेल मिली थी, परंतु सबसे बड़ी बात है कि उनकी बेल अभी भी खत्म होने वाली है और इसके लिए बाकायदा उन्होंने 13 के जिलों को जो है यहाँ पे SP SSP को सबको जो है दिशा निर्देश जारी कर दिया है कि जल्द से जल्द उनको पकड़ के जो जेल में जाया जाए। और खास करके जो जिस तरीके से जो बात हुई है हमारी IG से, तो उनका कहना था कि ये कार्रवाई जो है वो तुरंत की जाएगी और हर हालत में इनको बख्शा नहीं जाएगा। वही अवनीश, जिस तरीके से वो अपराधी हैं, कैदी थे, क्या लगता है कि लोगों के लिए भी खतरा बढ़ता हुआ नजर आएगा और पुलिस प्रशासन की ओर से क्या अहम कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल देखिए आकांक्षा, ये सवालिया निशान लगता है। ये लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें, जिस तरीके से यहाँ पे अगर कैदी करें, जिस तरह से कुछ कैदी जो बताए जा रहे थे वो काफी संगीन धाराओं में जो है वो यहाँ पर अंदर बंद थे और उनको जो है बेल दी गई थी, परंतु उनकी देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पे मामला सामने आया, ये कहीं ना कहीं जो है ये सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है कि किस तरीके से जो है अगर एक अपराधी जो है वो फरार हो जाता है तो ये सबसे बड़ी जो है बात सरकार के लिए सोचने वाली होगी। जी ठीक है अवनीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ इस खबर पर साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि कोरोना काल की ये बात है, उस समय पर पैरोल पे कई कैदियों को रिहा किया गया था, अब लेकिन अगर बात की जाए तो अभी भी जेलों से 500 से ज्यादा कैदी फरार बताए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। और अगर उत्तराखंड पुलिस की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो वो लगातार प्रयास कर रही है इन आरोपियों को, इन कैदियों को पकड़ने की और उन्हें वापस जेल में कैद करने की।